मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 गणित में अध्याय 10 सरल रेखाएं की प्रश्नावली 10.2 की प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 16 है, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। क्योंकि छड़ की लंबाई L सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है दिया है, क्योंकि L C का रैखिक फलन है। इसलिए बिंदु L दिया है 124.942 और जब C बराबर 20 तो बिंदु हमारा बना 20, 124.942 और दूसरा बिंदु है 110, 125.134। तो सबसे पहले हम इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। इसका फार्मूला है y-y1 = y2-y1 × x-x1। क्योंकि प्रश्न में L C का रैखिक फलन है, इसलिए y के स्थान पर L और x के स्थान पर C रख देंगे। तो L - y1 है 124.942 = y2 125.134 -124.942 (x2 = 110 - x1 = 20) x के स्थान पर c माइनस x1 का मान देख रहे हैं 20 दिया है। सरल करेंगे तो घटाने पर 125.134 से हम 124.942 घटाएंगे। 4 से 2 घटाएं 2 और 13 से 4 घटाएं 9 और ये हमारा बचा 10, 10 से 9 घटाए दशमलव और 110 से 20 घटा देंगे 90 मिल जाएगा। C माइनस 20 सरल करते L इक्वल टू लिखेंगे तो L इक्वल टू मिल जाएगा 0.192/90 C - 20 + 124.942। प्रश्न में L का मान C के पदों में ज्ञात करना था, तो इस प्रकार से ये हमारा L का मान C के पदों में ज्ञात हो जाता है। यही उत्तर होगा।
आप देखते हैं प्रश्न संख्या दो। प्रश्न दो में प्रश्न 17 किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। क्योंकि यहाँ पर दूध के भाव और मात्रा में रैखिक संबंध है, क्योंकि दूध के भाव और मात्रा में रैखिक संबंध है, और यहाँ पर हमारे बिंदु देखा जाए तो बिंदु बनेंगे पहला 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से, तो भाव 14 यानी भुज हमारा 14 मिला और कोटि 980। दूसरा बिंदु बनाएंगे तो 16 रुपये प्रति लीटर यानी 16 और मात्रा है 1220 लीटर। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली हम रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू यक्ष माइनस यक्ष वन। मान रख देंगे तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन देख रहे हैं 980 दिया है, वाई माइनस 980 इक्वल टू वाई टू है 1220 माइनस वाई वन 980 अपान यक्ष टू माइनस यक्ष वन, यक्ष टू 16 माइनस 14 इंटू यक्ष माइनस यक्ष वन, तो यक्ष वन देख रहे हैं 14 दिया है। सरल करेंगे तो सरल करने पर वाई इक्वल टू 1220 से 980 घटाएंगे, 0 12 से 8 घटाएं 4 और ये हमारा 11 बचा, 11 से 9 घटाएं 2 अपान 16 से 14 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा इंटू यक्ष माइनस हमारा मिलता है 14 प्लस 980 इधर ले आए प्लस में आया। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य संबंध को रैखिक मानते हुए हमको प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। तो यदि भाव हम 17 रुपये प्रति लीटर यानी यक्ष बराबर 14 रखेंगे, यक्ष इक्वल टू 14 रखने पर वाई इक्वल टू 240 बटे 2 काट देंगे 120 मिल जाएगा, तो 120 इंटू
और यक्ष की जगह हम 14 बल्कि 16 रुपये प्रति लीटर दिया है, 17 रुपये प्रति लीटर। तो 17 माइनस 14 एक्स बराबर 17 रखना है। 17 माइनस 14 प्लस 980 120। 17 से 14 घटा देंगे 3 मिल जाएगा, प्लस 980 सरल करेंगे तो 12 तेई 36, 360 प्लस 980 जोड़ेंगे 0 8 6 14 और 9 3 12 1 13 यानी 1340, 1340 लीटर दूध प्रति सप्ताह वो बेच सकेगा। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P AB है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण यक्ष अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 2 होगा। तो चूंकि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु PAB दिया है, चित्र में देखते हैं, ये हम अक्ष खींचे एक्स अक्ष वाई अक्ष अब इसमें चूंकि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये हम अक्षों के बीच रेखाखंड खींचते हैं और इस रेखाखंड का नाम मान लीजिए AB दे दिया जाए, तो इस AB का मध्य बिंदु P जिसके निर्देशांक कह रहा AB हैं, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P AB है। मान लीजिए रेखा x अक्ष पर h लंबाई का अंतःखंड काटती है और y अक्ष पर k लंबाई का अंतःखंड काटती है, तब बिंदु A के निर्देशांक h0 और बिंदु B के निर्देशांक 0k प्राप्त होंगे। AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, AB का मध्य बिंदु का आपने सूत्र पढ़ा, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, ये मध्य बिंदु होता है। प्रश्नानुसार मध्य बिंदु के निर्देशांक A और B हैं, इसका अर्थ हुआ A इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 h है और x2 0 है, तो h प्लस 0 अपान 2, या कह सकते हैं h इक्वल टू 2a। इसी प्रकार कोटि y का मान देख रहे हैं b दिया है, y1 0 है प्लस y2 का मान b दिया है, y2 का मान चूंकि हमने k अंतःखंड काटा था तो 0 प्लस k अपान 2 या के इक्वल टू मिल जाएगा 2b। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण सूत्र होता है यक्ष अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, जहां ए और बी रेखा पर काटे गए अंतःखंड हैं, क्योंकि हमने एच और के माना है तो रेखा का समीकरण मिलेगा, रेखा का समीकरण
यक्ष अपान यच प्लस वाई अपान के इक्वल टू वन, एच के का मान लिख देंगे। यक्ष अपान यच देख रहे हैं टू ए है, प्लस वाई अपान के का मान टू बी इक्वल टू वन, वन बाई टू कॉमन कर लेंगे तो दो इधर भाग में उधर ले जाएंगे, गुणा में आ जाएगा। तो यक्ष अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू टू, ये अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच के एक और दो के अनुपात में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार यदि हम चित्र बनाएं अक्षों के बीच रेखाखंड एक्स अक्ष वाई अक्ष, और अक्षों के बीच रेखाखंड मान लीजिए अक्षों के बीच ये रेखाखंड है, इसका भी नाम हम ए बी डाल देते हैं, क्योंकि अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच के, ये मान लीजिए बिंदु आर है जिसके निर्देशांक एच के दिए हैं। प्रश्नानुसार ये बिंदु रेखाखंड को कह रहा है एक और दो के अनुपात में विभक्त करता है, तो एक और दो के अनुपात में विभक्त करता है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। माना रेखा एक्स अक्ष पर ए और वाई अक्ष पर बी लंबाई का अंतःखंड काटती है, तब बिंदु ए के निर्देशांक ए कॉमा जीरो और बी के निर्देशांक जीरो कॉमा बी होंगे। अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे तो फार्मूला है यक्ष इक्वल टू यम वन यक्ष टू प्लस यम टू यक्ष वन अपान यम वन प्लस यम टू। इसमें यदि मान रखें यम वन एक दिया है, यक्ष टू देख रहे हैं जीरो है, प्लस यम टू दो है, इंटू यक्ष वन, यक्ष वन का मान देख रहे हैं ए है, अपान यम वन प्लस यम टू यानी वन प्लस टू, और यक्ष चूंकि बिंदु आर के निर्देशांक एच के हैं तो यक्ष इक्वल टू हमारा एच मिलेगा। सरल करते हैं तो एच इक्वल टू वन इंटू जीरो जीरो प्लस टू इंटू ए यानी टू ए, टू ए अपान वन प्लस टू थ्री। तो इस प्रकार से ए इक्वल टू मिल जाएगा थ्री एच अपान टू। अब हम कोटि वाई का सूत्र लगाएंगे। कोटि वाई का सूत्र है वाई इक्वल टू यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन अपान यम वन प्लस यम टू। मान रख देते हैं कोटि वाई हमारी के दी है तो के इक्वल टू यम वन, यम वन का मान देख रहे हैं हमारा एक दिया है, तो वन इंटू वाई टू, तो वाई टू का मान बी है, प्लस यम टू टू दिया है, इंटू वाई वन जीरो है अपान वन प्लस टू। सरल करते हैं तो के इक्वल टू
वन इंटू बी यानी बी अपान वन प्लस टू थ्री, इस प्रकार से b का मान 3k प्राप्त होता है। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण यक्ष अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू वन, ए बी के मान रख देंगे। यक्ष अपान a, a का मान देख रहे हैं आया 3h बाई टू प्लस वाई अपान बी, बी का मान 3k इक्वल टू वन। सरल करेंगे तो टू हमारा ऊपर आ जाएगा, तो टू यक्ष अपान 3h प्लस वाई अपान 3k इक्वल टू वन। लाशा ले लेंगे 3hk लाशा मिलेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2kx प्लस 3k से भाग दी h मिला एच वाई इक्वल टू वन, या रैखिक रूप में लिखें तो 2kx प्लस एच वाई इक्वल टू, और 3hk इधर भाग में है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे गुणा में आ जाएगा 3hk, तो यही अभीष्ट रेखा का समीकरण होगा, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु संरेखा हैं। चूंकि तीन बिंदु संरेखा होंगे, पहले हम दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे, और यदि तीसरा बिंदु उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर दे तो सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं। पहले हम दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। 3, 0 पहला बिंदु मान लेते हैं यक्ष वन, तो यक्ष वन हमारा 3 हो जाएगा, और वाई वन 0, यक्ष टू माइनस टू, और वाई टू भी माइनस टू। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सूत्र लिखेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू यक्ष माइनस एक्स वन, इसी में मान रख देंगे। तो y माइनस y1 देख रहे हैं 0 दिया है, y2 माइनस 2 माइनस y1 0 अपान x2 भी माइनस 2 है माइनस एक्स वन 3, यक्ष माइनस एक्स वन 3 है। सरल करते हैं तो y इक्वल टू माइनस टू माइनस जीरो यानी माइनस टू अपान माइनस टू माइनस थ्री मिलकर माइनस फाइव हुआ, x माइनस थ्री माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, तो इस प्रकार से 5 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हमारा भाग से गुणा में मिल जाएगा 5y इक्वल टू 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस 6, एक्स वाई के पदों को एक तरफ कर दें तो 2x माइनस 5y और अचर को दूसरी तरफ कर दें इक्वल टू 6।
ये अभीष्ट दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण मिलेगा। आप चूंकि सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो तीसरा बिंदु इसमें रखेंगे। तीसरा बिंदु हमारा 8-2 दिया है, अगर इसको संतुष्ट कर देगा तो सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं। 2 × 8 माइनस 5 × 2 इक्वल टू 6। सरल करेंगे, 8 × 16 माइनस 5 × 10 6, 16 से 10 घटाएंगे 6। इस प्रकार से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इससे सिद्ध हो गया कि तीनों बिंदु संरेख हैं। अतः दिए हुए तीनों बिंदु संरेख हैं। यही हमको सिद्ध करना था प्रूफ। थैंक्स।